मेरा तो ये मौके पे भाई कुत्ते को आप उसको हाथ फेरे, जब आपके कुत्ते का मुंह, जब आपके कुत्ते का मुंह भी नहीं है तो आप उसको हाथ फेरने का कोई जवाब ही नहीं बनता। और हार मान के भी वो कुत्ता पकड़ा जाए जिसके साथ कोई हादसा हुआ हो, नेन कट गई हो, दांत निकल गया हो, हड्डी टूट गई हो, कोई ऐसा। अब मेरा आपको आज एक और बात कर रहा हूँ, मैच बड़ी मुश्किल से होंगे, आपका कल शाम को पता चल गया तो लोग आज थोड़े से ज्यादा है। वरना एक मैं मैच देख रहा हूँ, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, एक लाइन भी पूरी नहीं है, उसके अंदर भी कम से कम क्या था 100 बंदों की जगह है खड़े होने की, लोग उस तरफ बैठे जिधर धूप ना लगे, एक साइड में एक साइड खाली है। चलो आगे लो पढ़ के जाएगा दस रुपये लड़े ब्लैक वाला सारा लगी है वो उधर ही है, ब्रीडर उधर रखे उधर भी उन्हों का भी रबता करा देता मैया करता फ्री मैया अब ये जो दोबारा मीटिंग होनी है पैंथर ग्रुप से, वो कब होगी? बहुत सारे शिकारियों पर डिपेंड करता है, कई दफा ऐसे हुआ है। मेरा एक दफा कुत्ता फिक्स वाली खोकर के साथ कालू कुत्ता को लिया था गाजियाबाद से, किसी को तो नहीं मिला, उसने मुझे सिर्फ फोन किया, मगर मेरा कुत्ता ठीक है, कोई बात नहीं।
किसी को ना ग्रुप में पता चला ना कोई बात उत्तर टाइगर पहली हो गया रियाज राजा लेके साथ को सारी बात का पता खरीद को सारी बात का कुत्ते का पैर खराब हो गया। मैं पंजाब इतने दिन नहीं रहा, 8 दिन रहा मैं तो पीरा सुबह शाम अंग्रेजी देसी उनको पैगाम दिया कुत्ता जो है ठीक है जमीन पे लाते आज कुत्ता चेक कर उन्होंने कहा जी कोई बात ही नहीं। जब ग्राउंड में गए उन्होंने ढोल कुत्ता फेरना शुरू कर दिया फेरा हमें रात में रियाज खान का कुत्ता था गांडी था थंडर के साथ गोदी था मुझे वैसे ही पता चल गया था कि सेह के कंडे लगे। मान साहब ने कहा मेरा कुत्ता ठीक है मैंने कहा मुझे पता जवला ने कहा नहीं कुत्ता देखे मैंने कहा कोई नहीं देखे ये शिकारी की दुकान पे यकीन नहीं उसके साथ फिर क्या लेकिन मिसाल है कुत्ता शो कर जानवर ही है ना कोई कभी पेशी हो जाए बीमार हो जाए इन्होंने नहीं आपको माफी दे दी शिकारियों को देने घर वाला तो हर चीज बर्दाश्त करता है। नहीं ये खान साहब का बड़ा अच्छा पॉइंट है दलील के साथ कुत्ते के साथ एक सांस वाली चीज है कुछ भी एक एक्सपीरियंस गुजरा है शौक शिकार में जी जी। इस तरह के मामला हो जाते हैं अच्छे लोग भी होते हैं और फिर इस सीजन काफी कुत्ते एक्सपायर हुए बड़े अच्छे अच्छे सांस वाली चीज है सांस वाली चीज है तो वो बाद में जो कोई नया इशू बने उससे अच्छा है कि टाइम पे बंदा जो टाइम कमिटमेंट उस पे आएंगे इंसान की जो कमिटमेंट होती है सबसे इम्पोर्टेंट आदमी के पास है क्या बात के अलावा और कुत्ते को 5-4 मिनट लड़ ही जाने 10 मिनट लड़ जाएगा 15 मिनट आपको आज एक और बात कर रहा हूँ मावर भाई मैच बड़ी मुश्किल से होंगे आपका कल शाम को पता चल गया तो लोग आज थोड़े से ज्यादा है वरना एक मैं मैच देख रहा हूँ भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा एक लाइन भी पूरी नहीं है उसके अंदर भी कम से कम 100 बंदों की जगह है खड़े होने की लोग उस तरफ बैठे जिधर धूप ना लगे एक साइड एक साइड खाली है तो जो हमारे मैच होते थे या होंगे 3-3 पालियां तो 25,000 जेड़ा बंदा अंदर बढ़ता बाहर नहीं निकलता जेड़ा बाहर अंदर नहीं आता दरख्तों पे चढ़ के मैंने तो सबको रिक्वेस्ट की है फोन से भी मेरी कल बात मैंने कहा भाई इसको कंट्रोल करें कंपनियां फेसबुकों पे लगाना बंद करें आप किसको जानवर आपने रखा है ना अपने शौक के लिए ग्राउंड के अंदर गुफ्तगु फजूल किस्म की अब जब लगतबाजी होती है ना तो उसके अंदर ये होता है जो मैच रुकाना कौन सा मसला कोई आप एक फोन कर देंगे किसी ने खराब करना है डॉक्टर साहब बैठे हमारे साथ थे तो दो ग्रुप थे फिर उसमें से 3 हो गए 4 हो गए शाहीन ग्रुप हो गया जी 100 हो गया इत्तेफाक ग्रुप हो गया जी इस तरह शेख हसन साहब आज जवेद साहब इनका ग्रुप था इस तरह ग्रुप बनते गए अब हमारे दो ग्रुपों से ज्यादा दिलचस्पी होती थी मैच एक राय जवेद के साथ एक अख्तर आमदी जब शौक में तो दूसरों के साथ नहीं अब जिसके साथ नहीं करें ना तो वो तो फिर आपका मैच नहीं होना चाहिए तो कई मैच यकीन करें मजबूरी में भी लड़ा सब मेरी खान साहब से मुलाकात हुई तो अब जाहिर माशाल्लाह तो खान साहब का पूरे वर्ल्ड में एक नाम है लोग नाम लगाते हैं अपने साथ जानवरों के नाम लगाते हैं कि हमारी भी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी जी खान साहब के कुत्तों में से है या खान साहब हमारे पास है अब ब्रांड तो है ना खान साहब तो मैंने कहा खान साहब क्यों आपने शौक से पीछे क्यों हट गए तो वही बात खान साहब अली खान ने दोबारा रिपीट की है कि हमारे दौर में ना बड़ा क्राउड होता था लोग दरख्तों पे चढ़ के तो एक दफा जो बंदा ग्राउंड में एक दफा आ गया तो वापस उसको स्पेस नहीं मिली सही सही अब खान साहब आए शौक में दोबारा से एक अब देखे कितना अरूज आया सही लोगों को शौक शहरों तक शौक हो गया लोग ना पहले गांव देहात का शौक था अब शहरों में लोग शौक रहते हैं दिलीप को अच्छा समझ रहे लेकिन अब इतना मुनाफ़त थे ये शौक एक साल पहले या डेढ़ खान साहब इतना के खराब कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करते बस
ग्रुपों में आप अच्छी भी अगर बात कर ले ना, उसको नेगेटिव इतना कि इंतशार की तरफ ले जाएंगे कि उसको एक, वो कहते ना एक झूठ को कोई बंदा सच बोल रहा है उसको कोई 100 बंदे झूठ के तो लोगों के जहन में बैठ जाती है यार ये झूठ ही होगी शायद। और एक बात यह ना कि आपको मेरा अपना एक मौकफ किसी भी शॉप के अंदर तो जो सीनियर है उनका काम है कि वो गाइड करें, ऐसी मिसाल कायम करें कि वो जो आने वाले हैं उनको नसीहत हो उनको शौक के अंदर। आपकी वैसे कोई बेहतरी आए, झगड़ा करना तो बहुत आसान है, एक गुप्त आप किसी को गाली दे दें या किसी कुत्ते को किसी को जानवर को आप क्रिटिसाइज करें या अपने जानवर को प्रमोट करें। एकदम मुझसे किसी ने पूछा वो एक जमाने के अंदर होता कि यार 10 अच्छे कुत्तों का नाम, चलो 10 में 3 नहीं तो एक आधा तो मेरा भी होगा इस लेवल का। तो मैंने अपने किसी को देखा नाम नहीं लिखा, वो तो मैं चलता रहा बोले। हाँ वो किसी को सरदार साहब मैं नहीं देखे लाहौर के लागे यकीन करो इन्ने बंदे सी के लोकी अग सेकंडा सी 100 बंदा सी मैच होंदे खुदा पाक दी कसम अग मच ला गया अग टिकट स्टैंड तक भी बड़ी मंगा मंडी हो जापान का ना आज पानी है अब बिल्कुल एग्जैक्ट की जापानी पानी के साथ मैच था 13 किलो जैसे ही है हम जो बक्सा में होते थे 13 किलो चंदू पटिया सरोवर मटुआ हम भी जाके रह गए वहां मैं फ्री 3 रात उधर रहे हम 3 रात रहे थे। अच्छा वो ये गांव में नहीं था छोटा सा कस्बा टाइप मेरा टाइप। अब वो शॉप की वजह से रहना पड़ा वहां पे छोटी सी बैठक थी गाड़ी फरीद भाई की थी आल्टो बड़ी मुश्किल से जो है ना मैं तो बड़ी मुश्किल से उसमें फिट होता था उसी में फिरते रहे और आल्टो गाड़ी के अंदर जो है ना हालांकि उधर बहुत मर्जी मेरे अपने अजीज भी है वहाँ उनका पेट्रोल पंप था तो मेरे वो जो अजीज थे जो बड़े थे वो नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट भी रहे सुल्तान साहब उनका मुझे फोन आ गया मैंने कहा इनका अस्सलाम वालेकुम जुबान में फारसी जुबान में उन्होंने मुझे कहा कि बोले बेटा तुम उधर जा रहे हो मैं क्या जी हाँ आपको कैसे पता चला बोला यार मुझे तो वहाँ से मेरे कजन जो है उनके बेटों ने फोन किया कि वो इधर आ रहे हैं और इधर हम लोगों को कहते हैं कि वो हमारे रिश्तेदार हैं वो कहते हैं यार सारे बोलते हैं तो यार अब तुम मेहरबानी है करना तुम तो जा तो रहे हो ना उनके पेट्रोल पंप पे जाके एक कप चाय की जरूरत ही नहीं मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगा फिर मैं गया उन्होंने बड़ा तमाम किया चाय शाय का मैं खान साहब जी आपका बड़ा पाव क्या है अभी अभी छिड़क ने हमारी दावत की तो ऐसे होता था कि अब छिड़को वाला कुत्ता मांगे ना। अच्छा उस जो सबसे बड़ा मसला था आपका कुछ फर्ज करें कजन है रिश्तेदार है आप ग्रुप के आदमी महंगे पहल तो यार ये किताब मांग लीजिएगा आपने मांग लिया उसने आगे से कहना उसने बात तो सही है कुत्ता तो आपका हो गया लेकिन हमारा शरीका है तो एक दफा खान खुद की जो है ना बदाम अच्छा मैं सुबह की फ्लाइट से आया फरीद भाई एयरपोर्ट पे सुबह की फ्लाइट से आए गाड़ी में बैठे सीधा गया रीत के पास दोपहर का खाना खाया रात की फ्लाइट से वापस कराया फिर वापस चले गए। फिर एक गुलाम मगयाने का कुत्ता था वो चट्ठा ग्रुप का पक्का था इन्होंने फोन किया कि तुसी एक बार आओ जी वो कुत्ता बहुत अच्छा है। अच्छा मैंने कहा कहते हैं यार उधर चलना जरूर मैंने कहा सुबह हमारा मैच भी है उधर हमारे मेहमान भी आए हैं बड़े हमने इधर से गाड़ी बुलाई ढंग जाए भाई वो कुत्ता लेके हमारे इंतजार में बैठा हुआ कुत्ते कितनी कितनी ताकत मैं रस्ते से हंस रहा हूँ मैं क्या डाक जासी उन्हें देखा कर जीरो दोपहर था मंडी बहुत दिन वहाँ गए वहाँ पर घर काफी टाइम लग गया खाना वाना खाया साथ ही साथ फिर एक और दादा साहब की अजमत के साथ होना बहुत बड़ी बात साथ तो हमारे साथ के बगैर हम कुछ भी नहीं है हम कुछ नहीं भी नहीं पहाड़ को साथ लेके चल अच्छा कोई मेहमान सिंध से वो पहुंच गए थे हैदराबाद से चला हूँ वली मोहम्मद वो लाहौर पहुंच गए खैर हम वहां से निकले अजमत तारर के डेरे पे उन्होंने चाय वाय का बंदोबस्त किया खाना उसी वक्त खाया था चाय
कोई चीज नहीं, उन्होंने कोई थोड़ा बहुत गरीब भाई ने हाथ साफ किया वहां से गए जी, फालिया से निकल के वहां सियालकोट गए जी, सियालकोट चले गए जी, एहतजाम खोकर को दे उसके इशफाक खोकर, इशफाक खोकर उन्होंने खाना जबरदस्त, उन्होंने खाना जो हम तो रजे हुए बड़े खाना इधर तक वो खाना वाना खाया बनाया शाम खोकर ले गया मैं यार थोड़ा साथ में मेरे डेरे यहाँ शाम खोकर हमें अपने डेरे पे अच्छा उस्ताद जो है वो मून की गाड़ी में। अब रास्ते में हमने तो क्रॉस किया, हमने कहा हमारा पैसेंजर वापस दो, वो कह रहे बस थोड़ा सा थोड़ा सा आगे तरह हम दे रहे। अब किसी कार्रवाई का नहीं पता नहीं बीच में क्या है, अब इंतजार कर रहे हैं जिन्हें बाईपास पे सियालकोट पे खड़े ना इंतजार कर रहे हैं। 12:30 बज गए, इस्लामाबाद से मेहमान आ रहे हैं, सिल वाला मेहमान बार बार फोन कर रहे हैं जी हम बैठे हैं आपके इंतजार, फोन करे किधर है जी बस आ गए जी, दो मिनट किधर है जी बस मोड़ मोड़े आ गए जी आ गए, आधा घंटा हो गया देखा देना एक डाला और एक गाड़ी रुकी फटाफट रुक के जैसे कोई एक्शन नहीं करता, उसमें से 7-8 नौजवान निकले तो गाड़ी का आगे सीधे आए हमारी गाड़ी का सब, हम तो आपके पीछे वहाँ से बंदे बैठे मोड़े गाड़ी पे वापस मोड़े, हमने तो बड़ा बंदोबस्त किया है, वो ड्रोन मंगवाया फलाना मंगवाया चले, मैं गया खुदा को मैंने मुंह ना साइड में किया, मैं यार मैं तो सुबह 6 बजे से निकला हूँ तेरी मेहरबानी, अभी तो मेरी टांगे जवाब दे दी घर जाने दो अब 3 बजे बंदे, मैंने मुझे पूछा मैं कितने बजे पहुंचे, बोले 4 बजे उससे मैंने बड़ी माजरत की, मैंने कहा आपसे मोहब्बत करनी मोहब्बत तो है ना लेकिन उसमें उम्र का भी एक तकाजा है, वो 2:30 बजे पहुंचे हम आप यकीन करें वहाँ पहुंचे 2:30 बजे तो वो मेहमान बैठे हैं, फिर उनको खाना खिलाया अभी तो खान साहब जब आप आते हैं तो बस जहाँ पे आना है वहीं पे पता होता है कि आप आए जी, नहीं अभी असल मसला पता क्या है, पहले ऐसे था नहीं ना, अभी सोशल मीडिया का 5 मिनट बाद फोन आ जाता है उसे छठ पूरे अब लंबे चले गए हो तो तालुक को सबसे प्यार भी करते हैं, सब इज्जत करते हैं, वो बड़ा फिर एक वो हो जाता है, पहले ये था चलो भाई आए और चले गए, बाद में किसी को पता चलो पता नहीं यार मैं किधर था या नहीं था, मेरा तो ये मौकफ कि भाई कुत्ते को आप उस वक्त हाथ फेरे जब आप कुत्ते का मुंह, जब आप कुत्ते का मुंह भी नहीं है तो आप उसको हाथ फेरने का कोई जवाब ही नहीं बनता, और हार मान के भी वो कुत्ता पकड़ा जाए जिसके साथ कोई हादसा हुआ हो, नेल कट गई हो, दांत निकल गया हो, टूट गई हो, कोई ऐसा हो, अब मेरा मुझे पता कि मेरा कुत्ता भी हार रहा, शिकारी को तो पता चल जाता है मैं आज हाथ खड़े करके फिर 2 महीने बाद फिर दूसरे मैच में मैं खड़ा हूँ बीच में, नहीं मैं हाथ खड़ा करके पड़ा, अब मैच जा रहे हैं ना दोस्तों की फरमाइश भी आती है कि मेरा भी लाजमी आपको लगाना, एक मैच के अंदर अगर आपके तीन ग्रुप है तो ग्रुप के कुत्ते जो है ना वो 40-45 आप ग्रुप के कुत्ते छोड़कर बाहर से कैसे कुत्ते, और अच्छे कुत्ते हैं ग्रुप के अंदर तो बस तू इजी हो यार, जो सालों साल आपके साथ चल रहे हो जी, जी, तो छोड़ नहीं सकते जी, जी, तो बाहर के बंदे को बंदा तरजीह दे अपने ग्रुप के छोड़ के ग्रुप के जो मेंबर है, लेकिन खान साहब के दौर में शौक बहुत अच्छा था, आप लोगों ने बड़ा अच्छा शौक किया, कभी नहीं सुना कि झगड़ा हुआ, लोग भी आते थे क्राउड आता था, बड़ा अच्छा शौक था, कभी नहीं हुआ ना, लेकिन अब इस तरह हो गया है कि लोग एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, मैं अच्छा उस मैं अच्छे अच्छे मैंने शौक की ना तबाही लगी आज की डेट तक, ठीक है आप सीनियर हैं हमारे, आज की डेट में देखें आपको, आपने अभी पहले अर्ज किया तो बड़ा मुश्किल है कि शौक हो जाए इस चीज का, शौक पता है मैं तो पहले भी अर्ज किया ये शौक आखिर के अंदर जी वहाँ पहुंचेगा कि आप एक मखसूस कोई 4 किनाल की हवेली हो डेरे के अंदर दो जोड़ लड़ा ले 3 जोड़ लड़ा ले ऐसे होगा और इसमें कोई मुजायका भी नहीं है, और आप एक ग्रुप का आपका मैच हर 10 दिन का रख ले प्रोग्राम,
ऐसी है, लेकिन वो मजा तो नहीं रहेगा ना। अब देखो आप हमें ना गाइड कर रहे हैं, हिंस रहे हैं, क्या मीटिंग में ये बात करेंगे जो आपको पसंद हो, तो मेरी बात सुने तो इंशाल्लाह हम बात करेंगे, हमारी बात कोई नहीं माने। चलना है लंबा चलना है, देखिए कोई भी गेम है उनसे ग्रुप में बहुत मीटिंग्स हुई है, देखे नहीं लिखे हुए, बहुत सारी मीटिंग हुई है डॉक्टर साहब, कानून लिखे हुए नहीं, हूं भी मौजूद नहीं, बहुत जरूरी है। लेकिन मसला है जो अमल कोई नहीं, इम्प्लीमेंट कोई नहीं। आपने एक शौक के साथ में टाइम दी है, मेरी किस्मत मेरी लत हो सकती है मेरा जानवर अच्छा पेड़ में लड़के जीत जाए, लेकिन मैं आपके तजर्बे पे एक्सपीरियंस पे जो आपने टाइम गुजारा शौक शिकार के लिए, वो वहां तक मैं नहीं पहुंच सकता हूं। मैं अक्सर एक बात करता हूं कि टाइम दुनिया की हर चीज आ सकती है, कुत्ता अच्छे से अच्छा आ सकता है आप लोगों के पास, पैसा आ सकता है, सब चीजें आ, लेकिन जो आपने टाइम दिया वो टाइम कभी वापस नहीं आएगा। आप लोगों ने इस शौक शिकार के लिए, खान साहब ने आप लोगों ने एक टाइम दिया, वक्त दिया है, जैसे अभी बातें सुन रहे हैं कि जी ऐसी ऐसी जगहों पे गए हैं कि जहाँ पे अफरी साहब के आल्टो गाड़ी में खान साहब 6 फीट से ऊपर इनका कर दें, तीन दिन मतलब जी जी सीएनजी की लाइन बड़ी लंबी थी, तो गुस्से लगे, मैंने कहा अल्लाह की आवाज से यात्रा छोड़ो, इधर भी ऑल्टो में भी अगर तूने सीएनजी डलवाना 2 घंटे इधर लग गए, लेकिन क्या करते हो उसी पे सीएनजी पे सही चलती थी, फिर सानू भरवानी पे भाई लाइन च लगे रहे। और ये सब आप लोग बैठेंगे ना डॉक्टर साहब, सारे भाई ज्यादा इतने इसी तरह थोड़े जे दूर रह जो तो अभी बड़े करीब पे शौक किया, इतने ज्यादा जेड़ा बुगस बहुत ज्यादा, दो चीजा जी प्रॉब्लम प्रॉब्लम एक आदमी है वो जेड़ी सब तो वही गल, सब तो वड्डा नुकसान है, तीन मैच ग्रुप चार पंचे किसी तो ग्रुप पे ताकि वो ग्रुप अगर ग्रुप खड़ा बने, बी ग्रुप अब ये सारे ला लो हमारे या हमारे ग्रुपों की मैंने बास कुत्ते देखे जो राश की होती है ना वहाँ से चक डालते हैं, पूरा अपना माउथ नहीं डालते, पूरी बाइट नहीं आती, इसकी मैं देखता हूँ ये पूरी ऐसे पूरा इसका जो जबड़ा है ना उसकी ग्रिप करता है ऐसे कि आपको स्पेस नहीं मिलती स्टिक डालने को, तो ये आपने कौन सी ब्रीड बनाई है? सारे कुत्ते डॉक्टर साहब का कुत्ता था जी छोटा शेर कुत्ती नहीं तो कुत्ती बहुत अच्छी थी, बड़ी क्लासिकल कुत्ती, बड़े दोस्त पालते थे, पालने की कोशिश करते थे, मैंने मुखालफों को भी की, फिर गए मुखालफ की ले गए वो कुत्ते हमारे मुकाबले में भी लड़े जो मुखालफ ले गए, तो कोई दावा है नहीं, सब मिक्स ही है, वैसे पीछे से भी जेडों वाले हैं उसके अंदर से थोड़ा सा डॉक्टर साहब वाले भी उसी में से थे, पीछे जेडों वाले और डॉक्टर साहब वाले कुत्तों का भी एक ही था, तो थोड़ा सा भुक्का वाले बिच थोड़ा सा मतलब एक ही था, तीन चार थोड़े से मैंने उसमें थोड़ा पिटबुल का पिटबुल कंडीशन किया नकल के बाद उनका इसमें आता है तो इसका फेस की लुक है जो जबड़े है ना बकरा में ये जो ये भी उन्होंने से डॉक्टर साहब के पास जो जोड़ा भेजा जी उसमें सुनिटो गई तो था फैज भाई ये 5 भाई थे ना, देखो आप तजर्बा तजर्बे को आप सबको मिलते हैं कुछ सूरी और किन्ने बच्चे दिते ने 6 दिते 4 दिते 5 दिते कोई एक ग्राउंड च आ गया अच्छा ये 5 ग्राउंड इन्हों का रिजल्ट देखो 100% रिजल्ट ही लड़े ने टॉप पे लड़े सब तो अच्छा टाइगर इन्हों को सी ओदा जोड़ी कोई नहीं खान साहब उसका भाई था जैक 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 तो बाद फिर कमांडो मेरे को आ गया कमांडो जिससे सैंडो बना फिर एक चल गया उन्हों को बिल्लू जी सब तो अच्छा रिजल्ट इस ब्रीज का फिर आगे से उनके फिर जो उनके आगे से वो भी नयाब होते गए ब्रूस ली था राकन सी ब्रूस ली सी कालू सी उनमें से मजीद आला हुआ कालू चानी वाला कालू जो है काल साहब हमने तपनी कराई वहाँ पर बड़ा अच्छा कुत्ता था खाना मुसल का 7-8 मिनट उसे मेरा ख्याल बच्चा ही लावा नहीं लावे तो लाया
8 ਮਿੰਟ ਉਹਨੇ ਕੰਨੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੜਾਣ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਛੱਡਾਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦਾ ਬਾਈਟ ਐਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਥਾ ਸੇਮ ਦਾਦੇ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਇਸਮੇ ਵੀ ਬਾਸ ਕੁੱਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬਸ ਇਤਨਾ ਸੇ ਬਾਈਟ ਲੈਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਕੇ ਜੋ ਕੁੱਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਸੇ ਜਬਰੇ ਪੂਰਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਬ ਜਬ ਉਸ ਕੀ ਜੋ ਬਰੀਡ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ की बात जब तो किस तरीके से बिल्कुल दो मंदिर ले ली और कौं कौं करके आ रहा है एक है जो बेबस हो गया लड़ लड़ के अंधा हो गया उसको कोई चीज नजर नहीं आ रही नहीं आ रही ग्राउंड के कदम उठा लिया गिर गया और उठ ही नहीं सकता इसमें पता चलता भी कितना और हर लड़ने वाला कुत्ता ब्रीडर नहीं होता ब्रीडर नहीं ऐसा खान साहब ये मैं टाइगर कुत्ता मेरा बड़ा नाम भी कमाया लड़ा भी बहुत अच्छा लेकिन आगे कुछ नहीं आगे उससे कुछ नहीं आगे कुछ नहीं है अच्छी कुत्तियों पे बड़ी अच्छी कुत्तियों पे उसने और मुझे 7-8 महीने के जब बच्चे मुझे समझ आ गए मेरा दिल को फिर आगे कुत्तियों पे फेरा लोग बड़ी ख्वाहिश करते थे मैं मिला भी देता था लेकिन आगे उसकी ब्रीड नहीं थी। और फैज भाई कम से कम ये जो बाघ होनी ने ना मेरे अंदाजे ना 30 साल तो चल रहे हैं 94 तो ये कुत्ता लड़ाया 94 तो चल रहे तो स्टिल चल रहे हैं और रिजल्ट देख लो बेहतरीन प्योर टैडी रखे मैं तो होर नहीं रखने मैं तो टैडी रखने मेरे को प्योर टैडी शबाद भी आती है जैसे बास की शबाद बहुत ज्यादा है जो बड़ा टाइगर की बात करें कल साहब वो जो कालू वगैरह उसकी तीन जनरेशन पहले का वो उसको आप देखें अभी मेरे पास एक बच्चा होगा आप बोलोगे अरे बास का ही बच्चा किसी को कहूँ ना कि बास का है तो कहेगा भाई काफी 9 महीने का भाई ये सॉफ्ट जिसको नहीं भी पता है ना वो भी कहेगा कि ये बास का ही है जी कॉपी है बिल्कुल आगे से भी तो खैर दूर खड़ा है ना नजदीक से देखेंगे और आपको जो है फेस इनकी जो आईज है और इनका जो हेड होता है अजीब इसका बनता है आंखें इनकी रेड और मतलब गोल्ड बुली का टच आता है पहली दफा मुझे चेयरमैन साहब ले गए हालांकि मैंने नहीं पता बिल्कुल सारी लड़ाई हुई है जो उन्होंने कुत्ता टोरा लगे बंदा अगे हो गया या गोडा ला दे कुत्ता इन्होंने मुझे दिखा उसका भाई मैं देखा बहुत का भी है ना फोन तो उसके अंदर आ गया दिया जो बाहर आप शौक करते हैं बाहर तो नहीं पहले था बेटे को शौक था बहुत ज्यादा मोदर ही कराते थे अपना काम है अब है वो रोनाल्डो के अंदर आ गया ज्यादा नाम खान साहब के कुत्ते हैं जो हाँ जी ना ये इनमें से और नहीं सिर्फ जो ये हमारे वालों में आप लोगों की जो ब्रीड इस कुत्ती और कुत्ते के जो आगे नस्ल चली है जरा तो आप भला एक गिलास हटा दे हाँ लाओ जी पुराना
खान साहब के बेटे हैं जी माशाल्लाह, मंदा साहब के पास आए हैं यहाँ पे। सब दावत की हुई थी मंदा भाई ने खान साहब की और पूरे ग्रुप की, पूरा ग्रुप तो नहीं है, चंद आए बस। बड़े मशहूर हैं असीब भाई साडा फिफड़ा जहादेव रुड़गा साहब और माना जट साहब। तो और की कहना चाहोगे उस्ताद हसीब साहब? हसीब साहब ना चोरी चोरी कुत्ते तपा भी लेंदे ने, दसदे भी नहीं, तो फिर कहंदे ने अपना ही शौक है। ए मिसाल तो फिर नहीं सही बैठदी ना कि सारे दा सांझा शौक है, तेरे कल्ले दा शौक है? नहीं नहीं मनो, इंशाल्लाह बंदा करी जाए। ते ऐ जहांदेव रुड़गा साहब ने फर्स्ट मुलाकात सर? सर मेरी फर्स्ट मुलाकात है, मगर वीडियो च भी मैं देखिया ना जी। हां जदों पहलवान है फिर सही रेसलर है, बड़े अच्छे इंसान ने फिर तो पाया जी, तो मैं देखिया ना। अच्छा तुम समझ आ गए शिकारी है? एक चीज तुम बाद तुम एक चीज दिखावांगा जी। अच्छा जो टाइम मिला ना जी एंडी केड़ी ए जहांदेव दी ना? हां कल तुम केड़ी मंदा म्यू के डेरे पे जी खान कयूम साहब आए और माशाल्लाह डॉक्टर खाला साहब है। डॉक्टर खाला साहब सबका कुछ तारुफ करा दे सर। ये जनाब ताजी कुत्तियां दे पाकिस्तान दे सब तो बड़े जेड़े ने राणा जावेद सरवर साहब मेरे अजीज ने के पाकिस्तान च नंबर एक इन्हों का ताजी कुत्तियां दे ग्रुप है चेयरमैन इम्तियाज साहब है जी, खान साहब के उस्ताद भी है कबूतरों में खान कयूम साहब है और फरीद इंस्पेक्टर साहब। फरीद साहब भाई का तारुफ करवा दें। सुल्तान अफसर खान जी माशाल्लाह सरदार साहब के और हैदर जोया साहब, हैदर जोया साहब, मलक बाबर साहब, मलक साहब साहब ने बड़ी अच्छी साड़ी बहुत खूबसूरत खाना खवाया, तो बड़ा प्रोटोकॉल दिता पिछले मसले सी ना ओनर ओनर कोई मसला नहीं सर, ओनर तुसी जेड़े घर कुत्ता ओही ओनर है, ओदा ही ओनर थोड़ा कुत्ता ते बाकी ग्रुपां दा विच सारे कुत्ता कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, वो भूल जाओ जेड़ी पुरानी गल है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह समझ ली है तुसी, कोई गल नहीं कोई नहीं। कुत्ता समझ जाता उन्होंने कश्मीरियों नु पेश कीता, हां पेश कीता जिंदगी कुत्ता हो उमर के दो साल के जवान छह साल के बुढ़े जी इना पिछे जो है ना साडा ओ नहीं मियार अभी कोई नहीं मां खाल भाई साडे कोल कोई कुत्ता नहीं ना मैं कुत्ता सामने लूंगा तो सानू नाल ले ही फिर दे कोई गल नहीं जे कुत्ते ना जानदे तो फिर मैं कानू इत्थे बैठा हूं तू बाबा जी नु संदूक च पा के लोकी ले जांदा जी तो उन्होंने बड़े शुक्रगुजार रहंदे हैं जी बारी कम तो बगैर तो अधूरे हैं जी बिल्कुल अधूरे हैं भाई कल्ला बंदा बिल्कुल मैं था ना थोड़ी देर ठहर की गल करना एक की का प्रोग्राम भी जाने ओही कामयाब है शॉट मुखिया खान साहब बंदियां नाल ही हुसन होंदा ना माशाल्लाह फरीद साहब बैठे ने तुसी बैठे हो